हेलो दोस्तों, आज हम बनाएंगे DOL स्टार्टर, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो हमें चाहिए एक कॉन्टेक्टर, एक सिंगल पोल कंट्रोलिंग MCV, एक NO स्विच, एक NC स्विच, एक सेलेक्टर स्विच, और अगर हमें ऑटो में चलाना है तो एक WLC स्विच। तो हम करेंगे आज इसकी वायरिंग। तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोलिंग है वो फेस आया, हमने क्या किया 95 में दे दिया रिले के 95 NC पॉइंट में। NC पॉइंट से निकला, NC पॉइंट से निकलेगा 96। 96 से हम इसकी आउटपुट निकालेंगे, ये जाएगी हमारे सेलेक्टर स्विच के एक नंबर पे। हमने एक नंबर पे दे दिया, अब इसकी आउटपुट निकलेगी हमारी A2 से। A2 से आउटपुट निकली, ये गई हमारे NC स्विच पे। NC स्विच, हमें NC स्विच को क्या करना पड़ेगा, एक लूप देना पड़ेगा कॉन्टेक्टर के लिए। डायरेक्ट सप्लाई जो देते हैं हमने इसमें एक लूप देंगे जो कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट पे जाएगा 14 नंबर पे। ये गया हमारा 14 नंबर पे। अब जो NC स्विच की आउटपुट निकलेगी NC स्विच की जो आउटपुट निकलेगी वो जाएगी हमारे NO ऑन स्विच पे। NO के ऑन स्विच पे। अब जो NO से हमारी आउटपुट निकलेगी वो जाएगी हमारी कॉन्टेक्टर के A1 पे, जिससे कॉन्टेक्टर की कॉइल को 230 वोल्ट पूरे मिल सके। अब हमें इसके साथ लूप देना पड़ेगा एक वायर कि कॉन्टेक्टर होल्ड हो सके हमारा। कॉन्टेक्टर को होल्ड कराने के लिए ये कर दिया हमने कंट्रोलिंग वायरिंग न्यूट्रल। हम कॉन्टेक्टर को डायरेक्ट दे देंगे जिससे 220 पूरे मिल सके कॉन्टेक्टर की कॉइल को। ये तो हो गया हमारा मैनुअली, जब हमें मैनुअली चलाना है। अगर हमें ऑटो में चलाना है, हमारी टंकी में पानी कम हो गया, हमें भरना है और अब ऑटो में ऑन हो जाए, तो हमें WLC वाटर लेवल स्विच का यूज़ करना पड़ेगा। बेसिकली ये कॉमन पॉइंट होता है ब्लैक वाला, ये अप के लिए, ये डाउन के लिए। तो अभी हमें जैसे हमारी सम पंप है उसको यूज़ करना है, तो हम सेलेक्टर स्विच के A2 पे इसका एक वायर दे देंगे कोई एक कॉमन पॉइंट मान के, और एक हमारा जो कॉन्टेक्टर का A1 है उस पे वायर चला जाएगा इसका, या NC पे लगा लो आप, क्योंकि लूप तो है ही। ये हमने कर दिया ऑटोमेशन। अभी सिलेक्टर स्विच ऑफ कंडीशन पे रहेगा, हम सप्लाई ऑन करेंगे, सप्लाई आ गई, हम इसको
मैनुअल कर रहे हैं, ये मैनुअल ऑन हो गया, ठीक है। अभी हम इसको ऑफ कर देंगे। अब अगर हमें ऑटो पे चाहिए तो ये स्विच अभी ऐसे है, वाटर लेवल स्विच, हम इसको ऑटो पे करेंगे, ये ऐसे काम नहीं करेगा। जैसे ऐसे जाएगा ऑटो में काम करने लग जाएगा, फिर आपकी टंकी धीरे धीरे भरते 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 ऐसे हो जाएगी, तो ये दोबारा कमांड दे देगा कि ऑफ हो जाए। फिर जैसे जैसे पानी डाउन होगा ऑटो में टंकी ऑन हो जाएगी, टंकी में पानी आना शुरू हो जाएगा। तो ये फ्लोट स्विच का काम करता है। तो ये है DOL विथ ऑटोमेशन सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।